Yatra yatra Raghunatha kirtanam Tatra tatra kritamastakanjalim Vaspavari paripurna lochanam Marutim namata rakshasantakam Nama pitecha maduram maduram swarupam Karma pitecha maduram madhura smritischa Buddhim prabodhaya prabho madhubodha shaktim Vidyam prayatcha paramam paribhavayami Kumalam kujayan venum shyamaloyam kumarakah Veda vedyam param brahma bhasatam hridaye mama Kujantam rama rameti maduram madhuraksharam Aruhya kavita shakham Vande valmiki kokilam Nigamakalpataror galitam phalam Shukamukhadamritadravasayutam Pibata bhagavatam rasamalayam Muhuraho rasika bhuvibhavuka Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama Dharma ki adharma ka praniyo mein Vishwa ka gomata ki gohatya bharat akhanda ho Hara Hara Mahadev Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Shri Vrindavan Vihari Lal Ki Jaya Namo Madhvya Shambho Shiva 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 Narayana 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 Sarvasya chaham hridisannivishto mattasmatrijnanamapohanincha Vedaisya sarvairaham eva vedyo vedantakridveda videva chaham Samupasthita samadharaniya Yati Vrinda, Vidvad Vrinda, Bhakta Vrinda, Evam Bhakti Mati Matao. Jaisa ki kal pratipadan kiya gaya, jab hum srishti ki utpatti ka varnan वेदांत प्रस्थान के अनुसार सुनते हैं तब स्वभाव से ही ऐसी भावना बनती है कि समष्टि के अंतर्गत ही व्यष्टि है जिस प्रकार महाकाश की गोद में घटाकाश है जल मैं ही तरंग है इसी प्रकार
समष्टि में ही व्यष्टि सन्निहित है। इससे लाभ यह होता है कि व्यष्टि में जो अभिनिवेश अनादि परंपरा से प्राप्त है उसके शिथिल होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तयोर व्यष्टि समष्टिता या जो पंचदशी की दृष्टि है इसे आत्मसात करने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दृष्टि को यहां भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन के व्याज से हम जीवों के प्रति प्रकाशित किया। यदादित्यगत आदि वचनों के द्वारा समष्टि का पहले वर्णन किया, अधिदैव में सूर्य अग्नि चंद्र ये सब के सब सत्व गुण के उत्कर्ष के कारण भगवत तत्व के स्पष्ट ही अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होते हैं। हम सूर्य के द्वार से, चंद्र के द्वार से, अग्नि के द्वार से भगवत तत्व को सुगमता पूर्वक जान सकते हैं। भगवान चित स्वरूप हैं, उनके सानिध्य मात्र से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और स्थावर जंगम प्राणी उद्भासित होते हैं। भगवान की वह प्रकाश रूपता और आनंद स्वरूप होने के कारण आह्लादकता हमें सूर्य चंद्र अग्नि के माध्यम से प्राप्त है। इतना ही नहीं, सूर्य चंद्र और अग्नि भोज्य पदार्थ के रूप में और भोक्ता के रूप में भी सन्निहित हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही सूर्य चंद्र और अग्नि के द्वार से भोग्य और भोक्ता होकर उल्लसित हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारी आपकी दृष्टि में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है, यूं भी कह सकते हैं कि दिव्यता का संचार होता है। शिव पुराण में शक्तिपात की परिभाषा दी गई है और विद्यारण स्वामी जी ने सूत संहिता के भाष्य में किसी और ग्रंथ से शक्तिपात के स्वरूप को अंकित किया है। उसी शैली में मैंने एक वाक्य कहा कि दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है अथवा दिव्यता का संचार होता है। शक्तिपात के दोनों प्रभेद हैं, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज जो विश्व में शक्तिपात की चर्चा है किंचित 40 वर्ष पहले अधिक चर्चा थी, आज कम है। गोवर्धन मठपुरी के जो 142वें मान्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री मधुसूदन तीर्थ जी हुए हैं, जिन्हें पीठ की अधिष्ठात्री देवी विमला जी सिद्ध थी, उन्होंने ही शक्तिपात के लुप्त विज्ञान को पुनः उद्भासित किया था। इसलिए विश्व में जितने भी आजकल शक्तिपात की चर्चा करने वाले हैं वे गोवर्धन मठपुरी पीठ के प्रति अवश्य आस्थान्वित होते हैं और समय समय पर आकर हम लोगों से मिलते भी। इसी प्रकार इस पीठ के 143वें मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण त्रिजी महाभाग ने गांधी जी के पहले ही अंग्रेजों को कहा था कि भारत खाली करो, बिहार में मुंगेर है वहां कारागार में उन्हें एक वर्ष तक अंग्रेजों ने रखा था। पूरे विश्व में जो वैदिक मैथमेटिक्स की चर्चा है वो उन्हीं के देन है। इस दृष्टि से भी विश्व में गोवर्धन मठ की ख्याति है, शक्तिपात की दीक्षा को लेकर और गणित की चमत्कृति को लेकर।
आप शायद भूल रहे हो, पूज्य श्री उरियावाजी महाराज पूर्णानंद तीर्थ जिनका नाम था, वे श्री मधुसूदन सरस्वती जी जो गोवर्धन मठ के 142वें शंकराचार्य, उन्हीं से दीक्षित दंडी स्वामी थे। तो जो यहाँ की परंपरा है, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की संन्यास दीक्षा ज्योतिर्मठ से हुई और भाव राज्य में वो गुरु श्री पूजोरियावाजी महाराज को मानते थे, तो ज्योतिर्मठ और पूरी पीठ दोनों से संबद्ध स्थान है, इतना ध्यान तो अनुयायियों को रखना चाहिए ताकि वे दंडी स्वामी और शंकराचार्य के मठ से गुप्त या प्रकट जुड़े रहें। ये मैंने वैसे कहा। तो दिव्यता की अभिव्यक्ति भी शक्तिपात का एक स्वरूप है और दिव्यता का संचार दूसरा स्वरूप है। उदाहरण के लिए अग्नि मंथन के द्वारा दारुगत या काष्ठ में सन्निहित आग स्वतः प्रकट हो जाती है, यह अभिव्यक्ति। और कहीं एक दीप प्रज्वलित है और दूसरे बत्ती आदि से युक्त सामग्री में उस दीप में जो अग्नि है उसका संचार कर देते हैं, तो दो प्रकार से शक्तिपात की चर्चा चलती है। गुरु के हृदय में जो शक्ति उच्छलित है वो संकल्प बल से दीक्षा के द्वारा जब शिष्य के हृदय में संचरित कर देते हैं तो शक्तिपात की शैली सुगम हो जाती है। लेकिन साधन करते 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 स्वतः चित्त में ही दिव्यता का आधान हो जाए और जो दिव्य शक्तियों का सन्निवेश हो जाए वो स्थायी भाव है शक्तिपात का। उसमें विलंब तो लगता है लेकिन फिसलन की संभावना नहीं होती। तो हमने स्वाभाविक रूप से कहा जो प्रक्रिया चलाई गई उस प्रक्रिया के अनुसार अगर जीवन को परिमार्जित करेंगे तो हमारे आपके चित्त में जो दिव्यता सन्निहित है पहले से वह उद्भूत हो जाएगी या दिव्यता का संचार हो जाएगा। दोनों प्रकार की विधा बनती है। प्रयास यह करना चाहिए कि दिव्यता की अभिव्यक्ति हो। अगर उसमें कठिनाई हो वो प्रबुद्ध योग भ्रष्ट जो होते हैं वो उस प्रक्रिया को सुगमता पूर्वक आत्मसात करते हैं, नहीं तो सत्संग इत्यादि के माध्यम से सिद्ध गुरुओं के माध्यम से दिव्यता का संचार करना चाहिए। दोनों प्रकार से दिव्यता, जैसे श्री हनुमान जी को कहा पवन तनय बल पवन समाना काचुप साज रहे बलवाना राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनिता ही भयो पर्वताकार। शक्ति तो थी उनमें लेकिन विस्मृत होने के कारण बाहर से संचार हुआ, उनके स्वरूप का उद्बोधन हुआ, सुनते ही वो शक्ति जो सुप्त थी विस्मृत थी उद्भूत हो गई। यह एक शक्तिपात का स्वरूप। जरासंध से पाला पड़ा था भीमसेन को द्वंद्व युद्ध में, रात्रि में जरासंध सबकी सेवा करते भोजन आदि कराते अतिथि सत्कार। भगवान श्री कृष्ण से भीम कहते आज तो किसी प्रकार जीवित रह गया, कल अवश्य ही द्वंद्व युद्ध में वो मुझे मार देगा, बहुत बलवान है, दाव पेंच भी अधिक है, हम तो 13 वर्षों तक वनवास अज्ञातवास में राख छानते रहे, भोजन पानी जितना बृहत रूप से मिलना चाहिए था नहीं मिला, अभ्यास भी कम रहा, कल जीवित रहना कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वंद्व युद्ध के समय अब उससे पहले तुम यह चिंतन करना कि मैं वायु नंदन हूं, वायु पुत्र हूं, इस अनुस्मृति के बल पर या इस अनुचिंतन के बल पर तुम जरासंध को मारने में समर्थ हो जाओगे। यह शक्ति का उद्बोधन है। रामचरितमानस में
दो बार लक्ष्मण जी को मूर्छा की प्राप्ति हुई, एक बार मानवोचित ढंग से बहुत कुछ प्रयास करना पड़ा संजीवनी बूटी आदि के माध्यम से, दूसरी बार केवल कान में कहना पड़ा अरे तुम शेष नाग के अवतार हो, मूर्छा तोड़ो। उस शब्द ने जाकर क्या किया, सुप्त जो शक्ति थी उसको जगा दिया। तो तांत्रिक शैली में हम बोले तो भगवान ने शक्तिपाद की एक स्वस्थ विधा को अभिव्यक्त किया। समष्टि का चिंतन जब हम करते हैं कि अद्भुत के माध्यम से हमको कोई सामग्री प्राप्त है, जैसे पृथ्वी के माध्यम से हमको खाद्य पदार्थ प्राप्त है, तो उसमें भगवान का हाथ है। किसी खाद्य पदार्थ या भोग्य पदार्थ की के सेवन की क्षमता या शक्ति हमारे जीवन में सन्निहित है तो वो भगवान से प्राप्त है। अधिदैव के द्वारा हमारे जीवन में कोई कार्य चलता है, सदता है, वो सदता ही है, तो भगवान का अनुग्रह है अधिदैव के द्वार से। विराट पुरुष के द्वारा जो जीवन में जीवन यापन की क्षमता प्राप्त है वो भगवान की ओर से ही प्राप्त है। हमारे जीवन के संसार में हिरण्यगर्भ का जो कुछ योगदान है वो भी भगवान का ही अनुग्रह है। अंतर्यामी रूप से जो भगवान जीवन और जगत का संचालन करते हैं, उस पर दृष्टि डालने पर ऐसा लगता है कि भगवान ही अंतर्यामी होकर प्रेरक और प्रकाशक हैं। फिर साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्म तत्व ही प्रत्येगात्मा होकर उल्लसित हैं। इस प्रकार का चिंतन करने पर दिव्य शक्ति का जीवन में संचार होता है। अब सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, जितने प्राणी हैं उनके हृदय में, अर्थात हृदय के द्वारा अभिव्यक्त बुद्धि में, मैं प्रत्येगात्मा स्वरूप जीव के रूप में सन्निहित हूं। जीव भगवान की उज्ज्वल विभूति है। सभी विभूति हैं तो हम क्यों नहीं विभूति, यह भी है। इदम कोटि के पदार्थ को हम विभूति समझें तो स्वतः जो हम हैं वो भी तो भगवान की अभिव्यक्ति होने के कारण विभूति हैं। होता क्या है, आत्म सहिष्णुता नहीं जग पाती। दो चीज बहुत कठिन है, सत्य सहिष्णु होना बहुत कठिन और आत्म सहिष्णु होना बहुत कठिन है। बाहर हम सत्य सहिष्णु नहीं हो पाते, अंदर हम आत्म सहिष्णु नहीं हो पाते। इसीलिए उपनिषदों ने कटाक्ष किया, कृपण कौन है जो अक्षर तत्व को, परमात्म तत्व को जाने बिना ही देह त्याग करता है, वो कृपण है। बात समझ में नहीं आती, कृपणा फल हेतव कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। दो प्रकार के कृपण या कंजूस होते हैं, एक वो जो देने में कृपण होते हैं, उनसे तो हम लोग परिचित हैं, देने में कृपण। एक बार पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे, बंबई में चातुर्मास था, राजस्थान के सेठों ने आयोजन करवाया था, बुरा न माने, राजस्थान के सेठ तो स्वभाव से बड़े कंजूस होते हैं, बहुत परीक्षा लेने के बाद वो किसी पर द्रवित होते हैं। ब्रह्मा जी की परीक्षा में कोई सुगमता पूर्वक पास हो सकता है, राजस्थानी सेठों की परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन। ये लोग हैं राजस्थान के, होली है भाई। तो वो स्वभाव होता है, उसका कारण क्या है, या तो दंभी के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, या व्यापारी होने के कारण किसी व्यापारी ढंग के संत महात्मा या व्यक्ति से इनका तालमेल बैठ जाता है। जहां श्रद्धा होनी चाहिए वहां ये श्रद्धा करने में बड़े कदरी होते हैं, कृपण होते हैं। उन सेठों ने एक ब्राह्मण, वो भी वैद्य को व्यवस्थापक रखा भंडार घर का। पहले दिन जब भोजन बना, प्रसाद बना, तो रामचैतन्य जी हैं साथ में थे,
ये सिद्ध महात्मा राम नरेश जी एक सिद्ध हमारे हैं, एक रामचैतन्य सिद्ध हैं। इनकी सिद्धि का पार पाना ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन है, इनको समझ पाना भी ब्रह्मा जी के लिए कठिन है। पहले आप यही बता दीजिए कि राम नरेश जी रहते कहाँ, नहीं मालूम पड़ेगा। वो मकान आप देख सकते हैं, कमरा कौन इनका है आप समझ ही नहीं सकते, कमरा की ओर झांक भी नहीं सकते। हजार प्रयास करने पर भी ये रहते कहाँ है और कमरा कौन इनका है, चाहे वो उसमें मिट्टी हो, लेकिन वो मिट्टी को भी नहीं देखने देंगे, कमरा में झांकने नहीं देंगे। ये सब सिद्ध है, सचमुच में सिद्ध है, हम तो सिद्ध नहीं है। हमारे ये दोनों बड़े सिद्ध है। तो रामचैतन्य जी साथ में थे, ये भी पंक्ति में ये राम रामचैतन्य जी साथ में बैठ गए। वो जो ब्राह्मण नमक परोस रहे थे तो हाथ यूं यूं हिल रहा था, तो हमने कहा कि बीमारी है, बीमारी नहीं है, कंजूस है। मैंने नमक परोसने में हाथ यूं यूं कांप रहा था, तो एक दो रोटी दे के भोजन परोसने ही बंद कर दिया। तो हमने कहा एक दो दिन तो भूखे रह सकते हैं, 12-60 दिन यहाँ रहना। तो रामचैतन्य जी से कहा कि भैया भूखे न मरे, पढ़ेंगे क्या चक्कर आएगा भूखे, तो ऐसा है कल से भोजन परोसो, बाद में भोजन करना, भरपेट अपना कर लेना। तो हमने देखा दूसरे का धन मान उसका कुछ नहीं जाता, सेठों ने व्यवस्था की थी, कंजूस ऐसा व्यवस्थापक था कि नमक परोसने में यूं हाथ कांपता था, वो रोटी क्या परोसेगा। तो देने में जो कदारी होते हैं कंजूस, उनसे तो हम परिचित हैं, लेने में कदारी है। एक और भाव है, दूसरी ओर भगवान है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्त आत्मा विन्दत्यात्मन या सुखम, उधर दुख यो नहीं है बते, यही संस्पर्श जाब होगा है नहीं, दुख यो नहीं है बते आद्यंत बनता कौनते या नते सुरमते बुधा। इसका मतलब एक और भाव है, दूसरी ओर भगवान, तो हम कंजूस हुए या नहीं, भगवान को छोड़कर भव का वरण करते हैं, इसलिए लेने में भी अनुदारता की पराकाष्ठा है। कल हमने संकेत किया था, आराम मस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन, भगवान के द्वारा विनिर्मित यह सृष्टि, बगीचा है, उद्यान है, बाग है, जितने बहिर्मुख व्यक्ति हैं सब इसी का अवलोकन करते हैं, इसी में रचे पचे रहते हैं, हम भी उन्हीं में। हमसे कोई पूछे तो श्री रामकृष्ण आदि के समान साक्षात तो अवतार भगवान के नहीं है, अरबों खरबों जन्म धारण किया तो पापर क्या बेलते रहे, यही रचे पचे रहे ना, सीधी बात है, वो तो नंगा स्वरूप है ना। अगर पूर्व शरीर में ही कृतार्थ हो गए होते तो जन्म क्यों होता। तो हमारा आपका जन्म ही डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध करता है कि अनादि काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कृतार्थ नहीं हुए। कृतार्थ क्यों नहीं हुए, संसार में रचे पचे रहे। अब इस तथ्य को जो जानता है वो किसकी निंदा करेगा, जिसके ऊपर हम कटाक्ष करते हैं उससे कुछ अधिक ही 2-4 जन्म पहले रहे होंगे। इसलिए बहुत स्थिति स्पष्ट है, क्या करते रहे। इसलिए लेने में कदर्यता ये भी बहुत प्रतिबंधक है, भगवान को छोड़कर भव को बटोरते हैं। तो परिस्थिति क्या है, लेने में कदर्य होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि भगवान, तो मैंने क्या कहा था, आत्म सहिष्णुता भी बहुत कठिन है। जैसे भारत की आपतन क्यों हो रहा है, यहाँ के जो राजनेता हैं वो राष्ट्र के उत्कर्ष के सहिष्णु नहीं, बहुत सीधी बात, कोई दूसरे का उत्कर्ष ना देख सके, जीव है संकीर्ण विचार वाला। भारत के राजनीतिक दल और राजनेता अपने राष्ट्र का उत्कर्ष नहीं देख सकते, सही नहीं है, इसीलिए देश का पतन हो रहा है। हमारी आपकी भी स्थिति यही है, मेरी तो है आपकी जैसी हो, आत्म सहिष्णुता जीवन में नहीं आती है। सबको सह सकते हैं, आत्मा को नहीं सह सकते। आत्म सहिष्णुता का नाम ही सत्य सहिष्णुता है। अगर कोई कह दे कि शुद्ध बुद्ध मुक्त परात्पर परब्रह्म स्वरूप हो तो हृदय फटने लगता है, यानी चरम सत्य है ना। इस चरम सत्य को सहसा हम स्वीकार कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं, इसलिए पाचन शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। हलवा
थोड़ी सुगमता पूर्वक बोलते हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, हलवा पूरी गरिष्ठ इत्यादि पदार्थ को पचाने की क्षमता सब में नहीं होती है ना। इसी प्रकार से सबसे जो उत्कृष्ट तथ्य है कि आत्म तत्व शुद्ध बुद्ध मुक्त परात्पर परब्रह्म, परात्पर परब्रह्म स्वरूप है, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त परात्पर परब्रह्म स्वरूप हूँ, ये चरम सत्य है, ठोस सत्य है, वास्तव सत्य है। लेकिन इसको आत्मसात करने की योग्यता कहाँ आ सकती है? इसलिए धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति कराते हैं आचार्य, तो समष्टि से व्यष्टि की ओर आने में बहुत सुगम घाटी हो जाती है। यह कि स्वभाव बन जाता है कि समष्टि में तो एक बूंद के समान व्यष्टि है, तो समष्टि से तादात्म्यापत्ति सुगमता पूर्वक हो जाती है। हमने अधिभूत, अधिभूत और अध्यदैव शब्द भी बहुत ही विचित्र हैं उपनिषदों में, यहाँ त्रिपुटी के रूप में अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीनों शब्दों का प्रयोग हो तब तो अर्थ अन्य ढंग से किया जाता है। जैसे रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म है, सूर्य अधिदैव है, विषय करण सुर, लेकिन जब दो ही शब्दों का प्रयोग हो, अधिभूत नहीं अध्यात्म और अधिदैव, अध्यात्म और अधिदैव, अधिभूत शब्द का प्रयोग न हो, दो शब्दों का प्रयोग हो, अधिदैव और अध्यात्म, तो अध्यात्म का अर्थ हो जाता है व्यष्टि, अधिदैव का अर्थ हो जाता है समष्टि, वहां पृथ्वी भी अधिदैव है, वहां पृथ्वी भी अधिदैव है, लेकिन पंचभूत की दृष्टि से हमने कहा पृथ्वी अधिभूत है, स्वतः समष्टि होने के कारण समष्टि का नाम अधिदैव है, व्यष्टि का नाम अध्यात्म है। जब त्रिपुटी में अधिभूत शब्द का प्रयोग होता है तब अर्थ की विधा अलग है। उपनिषदों में जहाँ शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा भाष्य में कि अध्यात्म दृष्टि है, आगे लिखा यह अधिदैव दृष्टि है, या उपनिषदों में केवल अध्यात्म अधिदैव दो शब्दों का प्रयोग किया गया, वहां पर अर्थ यूं किया जाता है कि अध्यात्म का अर्थ है व्यष्टि और अधिदैव का अर्थ होता है समष्टि। इस दृष्टि से समष्टि का वर्णन किया गया। अब व्यष्टि की ओर भगवान आ रहे हैं ताकि सुगमता पूर्वक हम व्यष्टि की विभुता का ज्ञान प्राप्त कर सकें, उसकी सहिष्णुता हमारे जीवन में अवतीर्ण हो सके। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं सन्निविष्ट हूँ। किस रूप में? प्रत्यगात्मा के रूप में, दृष्टा के रूप में या साक्षी के रूप में। अब थोड़ा अनुसंधान करें बढ़ा के, जब हम रूप का दर्शन करते हैं नेत्र के द्वार से तो भगवान का दर्शन कहाँ करें? दृष्टा के रूप में। यह अर्थ फैला के अर्थ करने से क्या होता है कि जीवन में ये चीज आती है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो हमको पढ़ाया वो शैली बहुत विलक्षण थी। हमने बहुत से महापुरुषों से अध्ययन किया, सब एक से एक दिग्गज विद्वान। पूज्य गुरुदेव के पढ़ाने की शैली सबसे विलक्षण थी। वो जो हम लोगों को पढ़ाते थे, पंक्ति का अर्थ रस रहस्य लगे, हर शब्द का रस रहस्य विदित हो, ये तो ठीक ही था, तात्पर्य विदित हो ये भी ठीक था, जो प्रकरण चल रहा है ब्रह्म विद्या में उस प्रकरण को सामने वाला अपने जीवन में उतार कैसे सके, इस पर बहुत प्रकाश डालते थे। वो मुझे बच्चा समझ के, वो मुझ पर उनका अनुग्रह था, लार प्यार था। पढ़ने वाले तो विभागाध्यक्ष आदि होते थे, मैं ही सबसे बिना डिग्री डिप्लोमा वाला था, मैं तो बचपन से इधर आया हुआ हूँ। तो यूं कहना चाहिए कि मेरी ओर दृष्टि रख करके वो जो पढ़ाते थे पूज्य गुरुदेव, उसमें उनका दृष्टिकोण ये होता था कि ठीक अर्थ जान गया, तात्पर्य जान गया सामने वाला व्यक्ति, लेकिन जो प्रकरण चल रहा है, जिस तत्व का वर्णन चल रहा है, वो तत्व, उस तत्व में इसकी निष्ठा हो सके, उसकी विधा या उसका प्रकार क्या है। इसलिए हम जो बोलते हैं वो अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, इस पर तो ध्यान देते ही हैं। जो साधक हैं वो इस प्रकरण से क्या शिक्षा प्राप्त करें और कैसे अपने जीवन में ढालें,
प्रायोगिक पक्ष आजकल लुप्त हो रहा है ना, इसलिए उस पर हम अधिक बल दे रहे हैं अभिप्राय यही। अब सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, इसमें पहले ध्यान क्या रखना चाहिए, जब नेत्र के माध्यम से हम नीलपीठ श्वेतादि रूप का दर्शन करते हैं तब दृष्टा के रूप में जो तत्व सामने आता है वो कोई अन्य नहीं भगवान ही है, अर्थात मुझ दृष्टा के रूप में भगवान ही प्रतिष्ठित हैं, सन्निहित हैं। ऐसा कान के माध्यम से जब हम श्रवण करें तो हमारा नाम श्रोता होता, औपाधिक नाम है, श्रुति सापेक्ष श्रोता नाम हो गया, दृष्टि सापेक्ष दृष्टा नाम हो गया, तो ये ज्ञान टिकेगा कैसे जो भगवान ने बताया। जब मैं सुनता हूँ तब मेरा नाम श्रोता होता है, श्रुति की उपाधि से मेरा नाम श्रोता होता है, उस श्रोता के रूप में कोई अन्य नहीं साक्षात भगवान ही विद्यमान है, अर्थात मुझे श्रोता के रूप में भगवान ही विद्यमान है। तो अपनी भगवत रूपता की सहिष्णुता आवेगी या नहीं, जब वाक इंद्रिय के माध्यम से मैं बोलता हूँ तो मेरा नाम वक्ता होता है, तो दोनों काम बना। वक्तृ संज्ञा जो है औपाधिक है, इसका भी हमको ज्ञान हो गया और मुझ वक्ता के रूप में कोई अन्य नहीं, भूत प्रेत पिशाच नहीं, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही प्रतिष्ठित हैं, सन्निहित हैं या स्फुरित हैं या अभिव्यक्त हैं। इस प्रकार से जब मैं पांव के माध्यम से चलता हूँ तो मेरा नाम गंता होता है, गंता कोई और नहीं, गंता के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही सन्निहित हैं, प्रतिष्ठित हैं, मुझ गंता के रूप में भी भगवान ही स्थित हैं। इस प्रकार से क्या होगा, धीरे धीरे औपाधिकता का भी ज्ञान हो जाएगा, उपाधि के भेद से भगवान की अभिव्यक्ति में भेद है। आनंद गिरि जी आदि ने लिखा कि जीव के रूप में भगवान का वर्णन किया गया, अन्य जब विभूतियां भगवान की हो सकती हैं तो जीव भी भगवान की विभूति है। मधुसूदन सरस्वती जी आज सब ने इस तथ्य को प्रकाश किया, इस तथ्य का प्रकाश किया कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, यहाँ पर जीव के रूप में भगवान का वर्णन है, प्रत्यगात्मा के रूप में भगवान है। इसी प्रकार एक एक ज्ञानेन्द्रिय को लेकर कर्मेन्द्रिय को लेकर जब मैं दाता होता हूँ हाथ के माध्यम से कर के माध्यम से, तब मेरा नाम क्या दाता हो गया, तो दाता के रूप में भी भगवान ही सन्निहित है, मुझ दाता के रूप में भगवान की ही अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से मति के माध्यम से मेरा नाम मन्ता हो जाता है, श्रुति के माध्यम से श्रोता हो जाता है, अंतःकरण या बुद्धि के माध्यम से विज्ञाता हो जाता है, प्रमा के माध्यम से प्रमाता हो जाता है। इस प्रकार से त्रिपुटी सत प्रधान चित प्रधान आनंद प्रधान त्रिपुटी को सन्निहित कर दें, ना हो तो दृष्टि के सामने रखें या कागज पर लिख लें, उसमें फिर विचार करना चाहिए जो पूर्व प्रकरण चला, द्रष्टव्य भी भगवान, दृष्टि भी भगवान, दर्शन भी भगवान और दृष्टा भी भगवान, लेकिन यहाँ पर त्रिपुटी में जो शिरोभाग की सामग्री है उसके रूप में भगवान अपनी अभिव्यक्ति बता रहे हैं, दृष्टा दर्शन दृश्य में दृष्टा के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हैं, श्रोता इसी प्रकार श्रवण और श्राव्य में श्रोता के रूप में भगवान विद्यमान है, इसी प्रकार घ्राता ग्रहण और गृह में घ्राता के रूप में भगवान विद्यमान है। तो त्रिपुटी का जो शिरोभाग है उसमें आत्मबुद्धि हमारी होनी चाहिए, वो जीव का एक विशुद्ध स्वरूप है, औपाधिक रूप होने पर भी दो सामग्री से अतीत स्वरूप है। जब हम दृष्टा कहेंगे तब दर्शन दृश्य पदार्थ और दर्शन दोनों से अतीत हो गया ना, दोनों से प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ, तो त्रिपुटी का जो शिरोभाग है वो भगवत तत्व की अभिव्यक्ति है, विभूति है, तो जीव को इस रूप में जानना चाहिए, जीव के रूप में भी साक्षात जगदीश्वर भगवान ही विद्यमान। इस प्रकार से मन्ता बोद्धा दृष्टा ज्ञाता प्रमाता जितने भी त्रिपुटियों का शिरोभाग है उसके रूप में भगवान को देखना चाहिए, फिर समीक्षा करनी चाहिए, ठीक है दृश्य और दर्शन की उपाधि से मैं हो गया दृष्टा,
अब दृश्य को खिसका दें, दर्शन को खिसका दें, तो मैं क्या रह गया? शून्य तो नहीं हो गया, उस समय मेरा स्वरूप क्या रह गया? उस रूप में फिर भगवान को देख। ऐसे ही प्रमाता प्रमाण प्रमेय में प्रमेय को खिसका दिया, प्रमाण को खिसका दिया, तो मेरी प्रमात्र संज्ञा नहीं हुई, प्रमाता में नहीं रह गया, भगवान की प्रमाता के रूप में अभिव्यक्ति नहीं हुई, प्रमात्र संज्ञा का लोप हो गया, तो दोनों के खिसका देने पर मैं क्या रह गया? उस पर दृष्टि जाएगी तो दृष्टि और सूक्ष्म हो जाएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में एक वचन है, उदाहरण 12वें अध्याय में 12वें स्कंद में, एकमेक तरा भावे यदा नोपलभा महे त्रितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रया। त्रिपुटी में एक सामग्री के खिसक जाने पर त्रिपुटी की सिद्धि नहीं होगी, अन्योन्य सापेक्ष तीनों है। ऐसी परिस्थिति में त्रिपुटी से जो पारंगत अतीत तत्व है, जिसकी त्रिपुटी के रूप में स्फूर्ति हो रही है, वह परम तत्व है, उस रूप में भगवान को जानना दुर्गम है। इसलिए त्रिपुटी के शिरोभाग में जो जीव तत्व प्रतिष्ठित है, प्रत्यगात्म तत्व प्रतिष्ठित है, उसकी जो असंगता है उसको सुदृढ़ कर लेने पर त्रिपुटी से पारंगत परमात्म तत्व जो समग्र वेदों के परम तात्पर्य हैं, उनका विज्ञान हो सकेगा। इसमें एक दृष्टि दी गई, तेज एक तत्व है, तेज तत्व है। अब वो अधिभूत दृष्टि से विचार करें तो उसका नाम हो जाएगा रूप। तेज को लेकर एक त्रिपुटी बनी, नील पीत श्वेतादि जो रूप हैं वो भी तेजस हैं, तेजो अनिष्ट गुण विशेष होने के कारण, तो रूप जितने हैं अधिभूत हो गए, नेत्र अध्यात्म और सूर्य भगवान हो गए अधिदैव। तेज के बिना रूप की सिद्धि नहीं, नेत्र की सिद्धि नहीं, सूर्य की सिद्धि नहीं, ठीक। और रूप के बिना भी तेज की सिद्धि है, नेत्र के बिना भी तेज का अस्तित्व है, सूर्य के बिना भी तेज का अस्तित्व है। अब ये त्रिपुटी जो बनी तेज को लेकर, वो तेज स्वयं त्रिपुटी से पारंगत है या नहीं? ये द्वादश स्कंद का दृष्टांत है। मैंने सूर्य कहा, वहां पर दीपक कहा गया, अंतर इतना ही। अधिदैव के रूप में तो सूर्य की प्रसिद्धि है, लेकिन वहां पर सूर्य न कहकर द्वादश स्कंद में दीपक कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? त्रिपुटी से अतीत तत्व जो है वो भगवत तत्व है, वेदों का तात्पर्य उसी में है। कथम चरन्ति श्रुतयः, जो शाम का प्रतिपादन है सायं सत्र में, वस्तुतः उसी का यहाँ पर भी प्रतिपादन है। उस तत्व पर दृष्टि को केंद्रित करने के लिए प्रक्रिया यह है कि त्रिपुटी के शिरो भाग में जो तत्व है उसके रूप में भगवान को अभिव्यक्त देखें। अब एक नियम बनता है, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, और अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। अभिव्यंग की वाक्य मेरा बनाया हुआ है, साहित्यिक है, दार्शनिक है, कुछ कठिन है, इसलिए धीरे से बोलते हैं। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, और अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल मेघमंडल के अधीन होती है, और बल्ब तथा बादल के या बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इस नियम को हृदयंगम करके इस श्लोक का तात्पर्य समझना चाहिए। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दृष्टि अभिव्यंजक है, उसके योग से मैं दृष्टा के रूप में व्यक्त हूं, और दृष्टि निरपेक्ष हो जाऊं तो वहां पर भी एक विचित्र तथ्य है, नहीं दृष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते विनाशित्वात्, बृहदारण्यक उपनिषद। दृष्टा की दृष्टि या दृष्टि का दृष्टा, क्या लेंगे? दृष्टा की दृष्टि या दृष्टि का दृष्टा, ये बहुत विकट श्रुति है। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते विनाशित्वात्, झड़ी लगा दी बृहदारण्यक उपनिषद ने। दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता, क्योंकि वह दृष्टि
विनाशशील नहीं है, विनाशवती नहीं है। अब यहाँ पर दो तरह से अर्थ लगाया हमारे पूज्य गुरुदेव ने अमर्थ नामक ग्रंथ में। दृष्टा की दृष्टि जब हम कहते हैं तो द्वैत हुआ या नहीं, एक दृष्टा एक उसकी दृष्टि, तो दृष्टि का दृष्टा कहना चाहिए या दृष्टा की दृष्टि कहनी चाहिए, क्योंकि अविनाशी भगवान ने कहा दृष्टि का, दृष्टि का विलोप नहीं होता। तो यहां पर एक अर्थ किया जाता राहो शिरा, राहु का सिर। यहां जो संबंध विभक्ति का प्रयोग किया गया है भेद में अभेद में भेदोपचार, जो राहु का अर्थ होता है वही सिर का अर्थ होता है, लेकिन बोला क्या जाता है राहो शिरा, राहु का सिर। अभेद में भेदोपचार के लिए संबंध विभक्ति का प्रयोग किया गया, राहु का सिर अर्थ तो यही होगा, लेकिन जो राहु है वही सिर है। दर्शन शास्त्र में राहु और सिर को एक मान के चला गया। भागवत इत्यादि का अध्ययन करें तो राहु के भी सिर सिद्ध होते हैं, वो प्रस्थान पौराणिक है, उसका तात्पर्य क्या है वो मैं यहाँ व्यक्त नहीं करना चाहता। दर्शन शास्त्र में जो राहु है वही सिर है, जैसे अर्जुन ने कह दिया, नहीं भगवान ही ने कह दिया ममात्मा भूत भावना, गीता में ममात्मा भूत भावना। तो हरिहर का संबंध विनोद का भी आपस में है। शंकराचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान की थोड़ी सी मीठी चुटकी ली, ममात्मा, तो क्या आप आत्मा से भिन्न है, अहमात्मा गुड़ा कैसा, ममात्मा भूत भावना। शंकराचार्य जी ने मीठी चुटकी ली, फिर कहा नहीं भगवान का तात्पर्य यहाँ पर अभेद में भेदोपचार है, अभेद में भेदोपचार है, भगवान और आत्मा कोई भिन्न भिन्न हो ये नहीं। राहो शिरा के समान भगवान ने कह दिया ममात्मा भूत भावना, नहीं तो लोग आजकल हिंदी वाले कहते मेरी आत्मा दुख पा रही है, तो मेरी आत्मा समझते नहीं वो बुद्धि आदि को, तो भगवान में तो भ्रम नहीं है। तो भगवान ने कहा ममात्मा भूत भावना, यहाँ जो मम शब्द का प्रयोग कर दिया, अहमात्मा गुड़ा के साथ तो कहा ही है, लेकिन ममात्मा भूत भावना में अहम के स्थान पर जो मम शब्द का प्रयोग कर दिया वो प्रयोग राहो शिरा के समान अभेद में भेदोपचार है। तो अंत में फिर क्या कहेंगे, अंत में कहेंगे कि जो दृष्टा है वही दृष्टि है, जो दृष्टि है वही दृष्टा है, दृष्टा की दृष्टि। इस प्रकार जो बृहदारण्यक उपनिषद ने प्रयोग किया वह अभेद में भेदोपचार है, अथवा पंचदशी की एक प्रक्रिया है उसके अनुसार। तो माया क्या करती है, माया दृष्टि में विभ्रम उत्पन्न कर देती है। माया क्या करती है, एक उदाहरण दिया पंचदशी कारण ने, व्योमना सत्ता आकाश से सत्ता, अब विचार करना चाहिए सत का आकाश है या आकाश का सत है, सत ऊपर है या आकाश ऊपर है, सत ऊपर है, बोलते हम क्या है आकाश की सत्ता, व्योमना सत्ता आकाश की सत्ता, आकाश से सत्ता, तो क्या यही माया की चमत्कृति है, ऊपर वाले को नीचे कर दे, नीचे वाले को ऊपर कर दे, क्या कर दे, करे या न करे दिखा तो देती है, दिखा देना चमत्कृति है माया की। जो सत सत है ना उसका कार्य है ना, तदैक्षत सहीक्षण चक्रे शोकामय, आकाश तो धर्म या कार्य है, तो धर्म को धर्मी दिखा देना, धर्मी को धर्म दिखा देना, दृष्टि में विभ्रम पैदा कर देना। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, लो जी अब गुरु जी का परिचय, चेला के नाते कलेक्टर के ये पिता है, और जो माताएं बुरा न माने माताएं नेता हो जाती हैं, सुषमा स्वराज को लोग जानते हैं उनके पति को, भले वो राज्यसभा के सदस्य रहे हों राज्यपाल रहे हों, यही कहा जाएगा ना सुषमा स्वराज के भी पति उनकी पत्नी है, ये तो नहीं परिचय होगा, यही होगा ना सुषमा स्वराज के ये पति। एक बार राज्यसभा में उनके पति ने कुछ प्रश्न कर दिया, हरियाणा से वो विपक्ष में थे, तो सुषमा स्वराज क्या करें, कहा श्रीमन श्रीमन कह के, बड़े सुशीला हैं भी, श्रीमन आपका जो आक्षेप है इसका परिहार इस प्रकार है। लोग मुस्कुराए कि पति का सम्मान यहाँ है। एक तिवारी थी, यहाँ नहीं कोई, वहां लखनऊ में थी ना, हाँ तो वो हो गई शिक्षा मंत्री, तिवारी थी, अब नहीं शायद जीवित हो, और मीठा उसको बहुत पसंद, जब आवे महाराज मीठा खिलाओ,
तिवारी ने हो गई मंत्री, शिक्षा मंत्री, अब उसके पति थे पुलिस इंस्पेक्टर या क्या, तो ऐसी विचित्र तिवारी थी कि वो कहे कि हमारी सुरक्षा में उन्हीं की ड्यूटी लगेगी, तो वो सैल्यूट मारे पति अब मुस्कुरा में। सच्ची बात है, कोई सच्ची बात है। लोगों ने कहा तिवारी कौन है मालूम है, ये जब शिक्षा मंत्री हुई तो कहे कि हमारे अंगरक्षक या इसके रूप में यही रहेंगे। अब बेचारे वहां फिर जो होता हो मुस्कुराती रही तिवारी, बहुत विचित्र होगी ना अपने पति से सैल्यूट मरवावे, ये भी नहीं कि इनकी ड्यूटी अलग लगाओ मेरी सेवा में ही रहेंगे। तो सब ने कहा महाराज ये तिवारी वो जो अपने पति को भी नहीं छोड़ा, सैल्यूट मरवाती थी और जवाब है मेरे पास मरा मिठाई खवाओ, तो क्या मतलब हुआ। यही माया की चमत्कृति है, सत का आकाश होता है, आकाश का सत होता है। लेकिन पंचदशी कार ने कहा आकाश से सत्ता व्योमना सत्ता, तो वास्तव में ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर। तो यहाँ श्रुति ने कहा दृष्टा की दृष्टि, अब दृष्टि का दृष्टा होगा अगर भेद मानेंगे तो दृष्टि के अधीन दृष्टा होगा या दृष्टा की दृष्टि, तो बहुत विचित्र बात। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो मध्यवर्ती ज्ञान है वो मध्य में दिखने पर भी ज्ञाता से ऊपर है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो मध्य में दिखाई पड़ रहा है ना, उसकी स्थिति कहीं और है और दिखाई पड़ता है कहीं और। दृष्टा दर्शन दृश्य में जो मध्य में दर्शन है वो दृष्टा से पारंगत है, लेकिन दृष्टा के अधीन दृष्टा से पराक होकर दृष्टिगोचर होता है दृष्टा दर्शन दृश्य में। एक विचित्र बात, इसीलिए एक मेक तरा भावे यदा नोपलभा महेत्र तयम तत्यो वेद सात्मा स्वाश्रयाश्रय। इसलिए पंचदशी कार ने क्या किया, बहुत चातुरी का परिचय दिया। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो ज्ञान है उसको आत्मा सिद्ध किया ना, पंचदशी का प्रथम प्रकरण। ये बहुत दक्षता पूर्वक उन्होंने बहुत ऊंची स्थिति हम लोगों को देने के लिए प्रकल्प चलाया। दृष्टा की आत्मरूपता का वर्णन करते हैं ना उन्होंने, तो या ज्ञाता की आत्मरूपता का वर्णन करते त्रिपुटी के शिरोभाग में तो ज्ञाता है, लेकिन पंचदशीकार ने सबसे पहले यहां से वर्णन किया। क्योंकि एक बहुत विचित्र बात है, आत्म तत्व सच्चिदानंद है। सत प्रधान निरूपण करें, आनंद प्रधान निरूपण करें या चित्त प्रधान निरूपण करें, तो साधकों के लिए सबसे सुगम कौन है, चित्त प्रधान निरूपण, चित्त प्रवधान निरूपण। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो ज्ञान त्रिपुटी के मध्य में है ज्ञान, उसको लिया। विषय भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, अवस्था के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, दिन के भेद से काल के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। अंत में उसमें सच्चिदानंद लक्षण फिर ब्रह्म लक्षण चरितार्थ कर दिया, ज्ञान को ले गए। इसका अर्थ क्या है, यही एक बहुत विचित्र बात है। दृष्टा दर्शन दृश्य में जो मध्यवर्ती दर्शन है, मध्यवर्ती दर्शन है उसको दृष्टा से ऊपर भी वही है। जैसे संपुट करते हैं ना, आदि और अंत में प्रणव लगा दिया या कुछ लगा दिया, बीच में कुछ ओम ह्रीम फिर ओम, प्रणव से संपुटित ह्रीम माया बीज को कर दिया। इसी प्रकार से यहां समझना चाहिए कि हमको जो बीच में दर्शन का अनुभव हो रहा है वो वास्तव में दृष्टा से भी प्रत्यक्ष, दृष्टा से प्रत्यक्ष पदार्थ ही दृष्टा के पराक होकर दर्शन के रूप में व्यक्त है। ज्ञाता से प्रत्यक्ष जो ज्ञान तत्व है वही ज्ञाता से पराक होकर अनुभाव्य बनता है। अनुभाव इसलिए बनता है कि अनुभाव्य जो नहीं है स्वप्रकाश ज्ञान उस तक हमको पहुंचा सके, इसीलिए वो ज्ञाता से पराक बनने वाला जो ज्ञान है तत्वतः ज्ञाता से प्रत्यक्ष है। यहाँ पर भगवान ने बताया, भगवती श्रुति ने कहा दृष्टा की दृष्टि का भी परलोप नहीं होता, ज्ञाता की विज्ञात्री का विलोप नहीं होता, विज्ञान शक्ति का विलोप नहीं होता। तो दूसरे ढंग से अर्थ किया गया है कि वास्तव में ज्ञान का ज्ञाता, ज्ञान को ऊपर रखिए, दृष्टि का दृष्टा, दृष्टि का दृष्टा, दृष्टि दृष्टि का दृष्टा, अर्थात
दृष्टि सत्य है, दृष्टित्व उसमें उपचरित, ज्ञान सत्य है, ज्ञातित्व उसमें उपचरित। उदाहरण के लिए प्रकाश स्वरूप सूर्य है, अब प्रकाश प्रकाश के योग से उनका नाम प्रकाशक बन जाता है। प्रकाश स्वरूप सूर्य है या प्रकाश प्रकाश स्वरूप सूर्य है, प्रकाशक सूर्य है या प्रकाश स्वरूप सूर्य है, प्रकाश स्वरूप सूर्य को ही हम प्रकाशक कह देते हैं। सविता जो सूर्य भगवान है, सविता प्रकाशते, जैसे माला है तो सूर्य भगवान इसके प्रकाशक कहे जाएंगे। माला की उपाधि से प्रकाश की ही प्रकाशक संज्ञा हो गई। सूर्य प्रकाश स्वरूप हैं, उनके सानिध्य मात्र से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। लेकिन विभ्रम क्या होता है, जो प्रकाशन क्रिया का एक कर्तृत्व से रहित हैं, उपाधि के योग से उन्हीं को हम प्रकाशन क्रिया के कर्तृत्व से संपन्न जान लेते हैं। तो सविता प्रकाश थे, सविता गोभी रसम भूंगते, इस प्रकार से तो प्रकाश को ही हम प्रकाशक मान लेते हैं। सूर्य के सानिध्य मात्र से प्रकाश वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, लेकिन होता क्या है, प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व सूर्य पर उपचरित हो जाता है। इसी प्रकार दृष्टि मूल चीज है, उसमें दृष्टित्व उपचरित है, ज्ञान मूल चीज है, उसमें ज्ञातित्व उपचरित है। इस दृष्टि से विचार करने के लिए भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। अब हृदय में कौन है, इसमें भी ये जो मांस पिंड है, पुंडरी का कार कमलाकार रक्त मांस पिंड, ये मध्य वामन, वामन भगवान की स्थिति, वामन भगवान की स्थिति मध्य में है ना, तो सर्व तो पुंडरी का कार रक्त मांस पिंड, ये वो अभिव्यंजक संस्थान है, मन अवच्छेदक संस्थान है आकाश का। जैसे घट में या कोई पुष्प ऐसे हो तो मध्य में जो खाली जगह है वहां आकाश है। पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड अवच्छेदक आकाश का है, वो आकाश जो है उस आकाश में वो दिव्यता है कि वो अभिव्यंजक है बुद्धि अंतःकरण का। अब उस अंतःकरण में वो दिव्यता है कि वो परमात्म तत्व को प्रत्यगात्मा या जीव के रूप में व्यक्त करने में समर्थ। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने कहा, भाव व्यक्त किया कि मुर्दा में आत्मा है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, पहले यह समझे। तो मुर्दा में परमात्मा है, और जिनको आत्मा व्यापक मान्य है, जिनकी दृष्टि में आत्मा तत्व व्यापक है, एक विचित्र बात, पूर्व मीमांसक आत्मा को व्यापक मानते, नैयायिक आत्मा को व्यापक मानते, वैशेषिक आत्मा को व्यापक मानते, योगी आत्मा को व्यापक मानते, सांख्यवादी आत्मा को व्यापक मानते, लेकिन व्यापक होता इन सबों की दृष्टि में आत्म तत्व व्यापक होता हुआ अनेक है, असंख्य है, स्वभाव से व्यापक भी है और असंख्य भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव हमको पढ़ा रहे थे, तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्मा, तो हमने एक आत्मा दूसरे आत्मा को धक्का नहीं देती क्या महाराज, अब नहीं समझ में आया तो कहा उसमें क्या है। गुरुओं के सामने अपना अज्ञान छिपाना, हजारों जन्म तक अज्ञान के मारे मरते रहना, अरे नई बात समझ में आती, बोल दिया, अब सब हंस पर। तो महाराज मुस्कुराए, हंसे नहीं लेकिन हंसी उनको भी आ रही थी। फिर वो बहुत प्रसन्न होते थे तो महाराज थोड़ी ताली बजाते थे, ऐसे थोड़े कुपित होते थे तो फिर क्या कहना, जब चश्मा को थोड़े से ऐसे के तो सामने वाले चाहे दस विषय का आचार्य हो, वो क्या हो, जब मेघ गर्जना बोल, जब आंख चश्मा को यूं उठा लिया तो सामने वाले की तो मौत ही हो गई। तो चश्मा नहीं उठाया, उन्होंने ताली क्या, हमने कहा जब आपने कहा है भगवान की नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्मा है, सब आत्मा व्यापक है नैयायिक इत्यादि की दृष्टि, तो एक मैंने पूछ लिया कि एक आत्मा दूसरे को धक्का नहीं देती क्या, हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है। उन्होंने कहा मेरी बात गांठ बांध लो, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेपती, तभी तो उसको व्यापक कहेंगे। अब मेरे लिए तो जीवन का वरदान बन गया, मैं संस्था भी चला रहा हूं गुरुदेव के इस वाक्य से,
ऐसा जीवन को उदार रखना चाहिए व्यापक, किसी को आपको खिसकाना न पड़े। जगह क्यों छेकरे, क्या लोग कहते हैं ना, प्रेम गलियत सांक्रियता में दोनों समय, वहां ठीक है जो वहां कही गई बात। अब ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा, मेरे यहां तो ये नहीं है। हजार विषय के विद्वान आ जाओ, हजार व्यक्ति आओ सचिव जी में, कभी यह नहीं होता कि मेरी जगह न ले ले। उसको भले ही हो जाए कि इनके हटा करके मैं ले लूं, ऐसे भी आए उपद्रवी लोग, इनको नहीं होता, आइए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, मैं सीमित भोगने की क्षमता नहीं, असीम है, इसलिए गोपांगनाओं में प्रायः यह नहीं। कितनी गोपांगनाएं तो सबको मालूम है परिपूर्ण है, इनकी शक्ति इनकी ऊर्जा इनका वीर्य कहीं विलुप्त होने वाला नहीं। जब किसी को मालूम पड़ जाए कि इस भोक्ता में भोगने की शक्ति सीमित है तो मुझ तक ही सीमित रहे, तो लड़ाई झगड़ा सौतिया डाह कहते हैं ना। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती, तभी तो उसका नाम है देशकृत परिच्छेद शून्य। तो दार्शनिक धरातल पर तो मुझे बहुत बड़ा बल मिला, जीवन में ये बल मिला भाई, अपने बढ़ने के लिए कोई जगह मत छेको, ऐसा बन जाओ कोई जगह मत छेको, फिर किससे युद्ध होगा। ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, अरे भले आदमी व्यापक बनो ने, व्यापक वस्तु को जगह छेकने की आवश्यकता कहाँ है। इसका लाभ हमने संस्था चलाने में जीवन में बहुत लिया। तो दार्शनिक पक्ष है कि व्यापक है इसलिए देशकृत परिच्छेद शून्य। भगवान शंकराचार्य का पक्ष है कि आत्म तत्व व्यापक होता हुआ एक है। इन सब का कहना है कि व्यापक होता हुआ स्वरूप से असंख्य अलग अलग। अब वैष्णवाचार्यों ने उनको अणु परिमाण, समय हो गया, वैष्णवाचार्यों ने उसको अणु परिमाण परिमित मान लिया। तो हमने एक संकेत किया, संकेत यह किया कि मुर्दा में भी आत्मा है, इस माइक में भी आत्मा है। तो पंचदशी कार ने कहा कि अंतःकरण अभिव्यंजक संस्थान जिसमें है, जहां है वहां उसकी जीव के रूप में अभिव्यक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे आजकल का वह उदाहरण बहुत बढ़िया है, दिल्ली से हावड़ा तक विद्युत प्रवाह है, तार है ना, विद्युत धारा से युक्त। अब ट्रेन का आम जहां जहां इसे वहां वहां अपनी चेतना लेती जाएगी। इसी प्रकार से अब आप खुले आकाश में चले जाइए, सूर्य भगवान या चंद्रमा विद्यमान है, दर्पण को यूं ले जाइए तो सम्मुख जो होगा वो अपना अपनी योग्यता के अनुसार दर्पण उसका प्रतिफलन करता जाएगा सूर्य चंद्रमा का। इसी प्रकार से अंतःकरण जब यूं चलेगा तो वहां के आत्म तत्व का अविच्छेदक होकर अभिव्यंजक होकर उसी को जीव करता जाएगा, जीव के रूप में ग्रहण करेगा। और अंतःकरण यहां चला गया, जैसे एक ये ले लिया, अब यहां के आकाश को इसने क्या किया, प्राकृतिक दृष्टि से अवच्छिन्न कर दिया। लेकिन यहां यूं कर दिया तो वो आकाश थोड़े चला, कटोर ये पात्र चला, लेकिन यहाँ का आकाश महाकाश हो गया, यहाँ का आकाश अवच्छिन्न हो गया, यही स्थिति है। इसीलिए यहाँ पर संकेत किया गया कि अंतःकरण अभिव्यंजक संस्थान है किसका, जीव का। और जीव किसका अभिव्यंजक संस्थान है, जीव किसका अभिव्यंजक संस्थान है, तो शिव तत्व का, परमात्म तत्व का। बीच में कोई चीज लानी हो तो अंतर्यामी का, और अंतर्यामी किसका अभिव्यंजक संस्थान है, परब्रह्म परमात्म तत्व का। तो यहाँ पर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान, सब गोल के हैं यानी बाह्याभ्यंतर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, कारण शरीर एक दृष्टि से जीव का अभिव्यंजक संस्थान है, प्राग्ञ रूप जीव का, और जीव जो है शिव स्वरूप परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। तो हमारा ये पुंडरीकाकार जो रक्त मांस पिंड है वो आकाश का अवच्छेदक संस्थान है, आकाश बुद्धि का अभिव्यंजक संस्थान है, बुद्धि या अंतःकरण जो है वो जीव तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है। और जीव है क्या, तो उसको पहले त्रिपुटी के शिरोभाग में स्थित जो सामग्री है उसके रूप में देखना चाहिए,
अर्थात भगवान की अभिव्यक्ति बुद्धि के द्वार से दृष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता आदि के रूप में हो रही है। उसके बाद और दृष्टि को सूक्ष्म करने के लिए त्रिपुटी के मध्य भाग में जो सामग्री है उसका शोधन करके त्रिपुटी के ऊर्ध्व भाग में भी उसे देखने का प्रयास करना चाहिए। तो दृष्टा जो हो गया, अब दृश्य पर ध्यान केंद्रित न करें, दृष्टा दर्शन दृश्य में दृष्टा के ऊपर एक दर्शन की भावना करें और दृष्टा के नीचे एक दर्शन की भावना करें, तो दर्शन से संपुटित हो गया दृष्टा। ज्ञाता जब कहेंगे तो ज्ञाता से अवर पराक एक ज्ञान, ज्ञाता ज्ञान गे में वो तो है ही मध्यवर्ती ज्ञान, तो ज्ञाता से एक ज्ञान हो गया पराक और एक ज्ञान हो गया ज्ञाता से प्रत्यक। ज्ञान से ज्ञाता कौन है, संपुटित है। इस प्रकार से दृष्टि करने पर जो शोधित अहमर्थ है उस वहां तक दृष्टि पहुंच पाती है। यथामत कहा। हर हर महादेव।